രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണസിയിലെത്തി. സങ്കൽപ് യാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുക്കിയ പ്രദർശനം പ്രധാനമന്ത്രി വീക്ഷിച്ചു. വിവിധ പദ്ധതികളുടെയും ഗുണഭോക്താക്കളുമായും വിദ്യാർത്ഥികളുമായും അദ്ദേഹം സംവദിച്ചു. 17 और 18 दिसंबर यानी दो दिवसीय कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में, जिसमें आज वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद अलग अलग योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और साथ ही आज शाम में इसके पश्चात जो मुख्य कार्यक्रम को अगर देखा जाए काशिल तमिल संगम 2023 का जो उद्घाटन है, लोगों से जानकारी लेते हैं योजनाओं के बारे में. काशी के वो सांसद हैं, वैसे में एक सांसद के तौर पर जब वो अपने जनता से मिलते हैं, लाभार्थियों से मिलते हैं, तब वो एक तरह से कहें തുടർന്ന് വികസിത് ഭാരത് സങ്കൽപ് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രതിജ്ഞയിൽ പങ്കെടുത്തു. നമോഘട്ടിൽ കാശി തമിഴ് സംഗമം 2023 പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് കന്യാകുമാരി വാരണാസി തമിഴ് സംഗമം ട്രെയിൻ സർവീസ് അദ്ദേഹം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദിബെൻ പട്ടേൽ, കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് തുടങ്ങിയുള്ളവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കും. ഈ മാസം 30 വരെ നീളുന്നതാണ് കാശി തമിഴ് സംഗമത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം. വാരണാസിയിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനും പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. सबसे लोकप्रिय नेता हैं और हम जानते हैं कि बीते कई वर्षों से उनकी लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक शैली है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखते भी हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या फिर लाभार्थी हो या फिर युवा हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के लिए उत्सुक रहते हैं. उनके जब संवाद का दिन കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. क्या बनना चाहते हैं, किसी छोटे बच्चे से मिलते हैं तब उससे पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है. इस तरह के जो स्मृतियां होती हैं वो पूरे जीवन की एक स्मृति होती है छात्र के लिए, उस बच्चे के लिए. प्रधानमंत्री से उसकी मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री ने उनसे ये पूछा था. तो आप आज तस्वीरों में देख रहे हैं कई लाभार्थियों ने उनसे बातचीत की, कुछ बच्चों ने उनसे बातचीत की और बच्चों के चेहरे पर मैं उत्साह देख पा रहा हूँ. जी बिल्कुल, तो अलग अलग लाभार्थी जो हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ बातचीत भी की और फिलहाल इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे, और साथ ही साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था उसमें भी उन्होंने बातचीत की थी लाभार्थियों से. और यहाँ भी काफ़ी उत्साहित ना सिर्फ जो लाभार्थी यहाँ मौजूद हैं बल्कि प्रधानमंत्री ने जब उनसे संवाद किया तो और भी ज़्यादा उत्साहित ये तमाम लाभार्थी यहाँ नज़र आए. बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद रहीं. हरकेश, आपसे भी और जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कैसे जो काशी का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जब विकसित भारत संकल्प यात्रा की हम बात कर रहे हैं क्योंकि एक महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, इसी बीच अगर देखा जाए तो करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस योजनाओं के जरिए जुड़े हैं, लाभ इन्होंने लिया है, जानकारी ली है. और ऐसे में एक और ये महत्वपूर्ण पहल है कि कैसे लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं. കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക്.